नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में दोबारा फिर से। आज मैं दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखकर क्लिक किया होगा कि आपके 70, 80, 90, 100 कितने भी नंबर हो, आपको यह जानकारी चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। यहाँ पर आपको नवोदय से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट, मैंने कल वीडियो बनाई थी कि जैसे कि आपका रिजल्ट 10 जुलाई को आएगा, तो 8 दिन अभी आपके रिजल्ट के पड़े हैं दोस्तों। और दोस्तों आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि आप कितने नंबर वाला बच्चा, जनरल हो चाहे एससी हो, चाहे कौन सा बच्चा कितने नंबर पर पास होगा, कितना कट ऑफ रहेगा, तो दोस्तों वीडियो को देखते रहना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर सर्च किया हुआ है नवोदय एग्जाम कट ऑफ 2022 क्लास 6, इसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड नवोदय क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी सभी के कट ऑफ दिए हुए हैं। अगर आप जनरल में हैं तो आपको पास होने के लिए 70 से 75 मार्क्स लेना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आपके 70 से 75 के बीच मार्क्स आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी वालों के लिए 65 से 70 के बीच में, और जो इससे कम है दोस्तों जैसे 60 नंबर वाले, तो उसको थोड़ा वेटिंग लिस्ट में भी रख सकते हैं, क्या पता उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों जैसे ईडब्ल्यूएस में आते, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उनके 65 से 70, उनको भी 65 से 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऐसे ही दोस्तों एससी वालों को 55 से 60 सबसे कम कट ऑफ है एससी वालों के लिए, उनको 55 से 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए दोस्तों। दोस्तों मुझको ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको लगता है कि हम कुछ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया है, ये बिल्कुल आप अपने फ़ोन में भी सर्च करके देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार का ही इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।